बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है। बेहद ही चर्चित वेब सीरीज मिर्जापुर में लीड कैरेक्टर वाले मुन्ना भैया के दोस्त ललित का रोल प्ले करने वाले एक्टर ब्रह्मा मिश्रा अब इस दुनिया में नहीं रहे। महज 32 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। करीबियों और रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें 29 नवंबर को सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मामूली दवाई देकर उन्हें घर भेज दिया था। अब 3 दिन बाद उनके घर से उनकी लाश मिली है। उन्हें बाथरूम में मृत अवस्था में पाया गया। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि उनके मरने का वक्त अभी पता नहीं चल पाया। ब्रह्मा मिश्रा भोपाल के नजदीक रायसेन के रहने वाले थे। अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने वहीं से पूरी की थी। मिर्जापुर के अलावा उन्होंने कई बड़ी पिक्चर में अपना नाम दर्ज कराया। बड़े बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की है। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने फिल्म चोर चोर सुपर चोर से की थी, जो 2013 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने केसरी, हसीन दिलरुबा, माझी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी फिल्मों में भी काम किया। उनकी आखिरी फिल्म 2021 में तापसी पन्नू के साथ आई हसीन दिलरुबा। बता दें कि उनका कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। उनके पिता भूमि विकास बैंक में कार्यरत थे। 30 नवंबर को ही ब्रह्मा ने अपना 32वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। मतलब महज 5 दिन पहले ब्रह्मा ने फेसबुक पर पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मोह का क्षय हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं। बता दें कि मिर्जापुर अमेजॉन प्राइम वीडियो की कुछ सबसे पॉपुलर वेब सीरीज में से एक है। सीरीज में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा ने अहम किरदार निभाया। इस सीरीज को सोशल मीडिया पर काफी प्यार मिला। इसकी पॉपुलरिटी को देखते हुए मेकर्स ने इसका दूसरा सीजन भी निकाला था। फिल्म अलग अलग कारणों के चलते चर्चा में रही। दरअसल फिल्म में काम करने वाले अली फजल ने इस फिल्म के दौरान ही CAA का विरोध किया, जिसके बाद से ही उनके समर्थक में उतरने वाले लोगों ने इनको बैन करने की मांग कर बिग स्क्रीन की तरफ से ब्रह्मा मिश्रा को श्रद्धांजलि।